So welcome friends again. Last video we have learned how to deal with the problems regarding to the resistance meter breach. So right now we will continue with that. With potentiometer also we will do that. So whatever is the PDF given to you, you open the problem number 11 in that page. Main aapko bata deta hu, first second third page pe dekho, third page pe problem number 11. So question 11 PDF. In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter. मतलब आपको क्या दिया है? E1 दिया है, कितना? 25 volt ना? 1.25 volt. For balance point, L1 कितना दिया है? 35.0 centimeter. If the cell is replaced by another cell of the balance point and the balance point shifts to 63.0. So L2 कितना? 63.0 centimeter. और another cell आपको दिया है. It is equal to question mark. What is the EMF of the second cell? It's very simple. No need to do any other thing. E1 by E2 is equal to L1 by L2. So this means that E1 by E2 1.25 upon E2 is equal to 35 upon 63. So E2 will be कितना हो जाएगा बेटा आपका? E2 will be 1.25. ये E2 इधर जाएगा, 63 ऊपर जाएगा, 35 नीचे आएगा, 63 upon 35. 7 9 are 63 5 2.25. So E2 मिल जाएगा आपको 2.25. So answer will be 2.25. So just look at the answer. It is given. Okay. Now question number, problem number, उसमें आपको 99 और 100 दिया है. ओके, ये इसके ऊपर नहीं है, लेकिन फिर से हम उसको प्रूव करते हैं. When n cells are joined in parallel as shown, the strength of the current I is given by. एकदम सिंपल है, ऐसे दिया है आपको. Sorry. आपको ये ऐसे दिया है, तो यहाँ पे आपको R दिया है, K भी दिया है आपको. इसको बोला E, इसको बोला E, इसको बोला E, R, R, R. ओके, ये फॉर एग्जांपल दिया है. आपको निकालना है क्या? करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज गिवन बाय. सो यहाँ पे आपको क्या दिया? ये आपको दिखाने के लिए दिया है. हाउ मेनी सेल्स आर गिवन एक्चुअली? एन सेल्स इन पैरेलल. तो पहले अपने को क्या करना है? वी हैव टू राइट डाउन द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दैट. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे इप्सिलॉन, सॉरी, ई इक्विवेलेंट कॉमा आर इक्विवेलेंट. यहाँ पे दिखाएंगे उसका रिजल्ट. एक्चुअली यहाँ पे भी दिखाना चाहिए, उन्होंने दिखा रहे हैं, हम दिखाएंगे उसको. और यहाँ पे रखेंगे आपका आर और यहाँ पे रखेंगे के. एंड नाउ द थिंग इज ओनली टू फाइंड आउट इप्सिलॉन ई इक्विवेलेंट, नॉट इप्सिलॉन, ई इक्विवेलेंट. तो अपना फॉर्मूला क्या है? ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होगा आपका? आर पी. आर पी कितना? ओके, सो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन EN अपॉन RN
मल्टीप्लाइड बाय आरपी, और आरपी कितना हो जाएगा आपका, आरपी विल बी आर बाय एन, क्योंकि अपना आर 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 सेम है। तो इसमें भी दिस वन ऑल्सो, ये जो ई वन है वो रिप्लेस हो जाएगा ई से, ये भी रिप्लेस हो जाएगा ई से, ये भी रिप्लेस हो जाएगा ई से, ये भी रिप्लेस हो जाएगा आर से, सब ये तो अपना ई इक्विवेलेंट कितना एक्चुअली बन जाएगा, ये आर 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 सब जगह आर है, तो एन टाइम्स ई अपॉन आर इनटू आर पी, तो कितना बन जाएगा एन ई अपॉन आर, और आर पी कितना है आर बाय एन, तो आपका कितना बन गया ई बन गया। तो यहां पे कितना दिख रहा है आपका ई दिख रहा है, ई इक्विवेलेंट बन गया आपका ई, और आर पी बन गया आर बाय एन। तो करंट कैसे बन जाएगा, करंट के लिए अपने अपने पास फॉर्मूला है, करंट के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर द करंट आई विल बी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर पी, आर पी मतलब ई है इसका, तो ये कितना बन गया ई इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कितना बन गया ई बन गया, अपॉन आर प्लस आर बाय एन। इसको सॉल्व करते हैं इसको अभी, सो ई अपॉन एन आर प्लस आर अपॉन एन, तो अपना आई कितना बन गया बेटा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। तो अभी देखते हैं क्या ये ऑप्शन अपने पास है या नहीं है, सो विल चेक फॉर द ऑप्शन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट एंड आई एम श्योर दैट द ऑप्शन विल बी देयर, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ओके, नहीं तो आपको यहाँ पे दिया है ये ऑप्शन दिया आपको डी, तो आपको आगे करने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू इट अहेड, नो नीड टू डू इट अहेड, यहाँ पे आपको जो दिया है, यहाँ पे जो दिया है यही ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन डी ये बन गया आपका आंसर, ये नोट डाउन करके लो, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी क्या पूछा है आगे, वैसे ही दिया है, अभी लिखो प्रॉब्लम नंबर 100, यहां पे कितना 6, 7, 8 बन गया, यहां पे 100 आपका पीडीएफ क्या दिया आपको, दो सेल दिया है, दो ऐसे दिया है, और टू सेल्स ऑफ द सेम ईएमएफ ई बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू are connected in series with an external resistance R as shown in the figure. The terminal potential difference across the second cell is found to be zero. The external resistance R must be तो यहाँ पे इसको बोला E और इसको बोला E and टर्मिनल पीडी अक्रॉस, इसको बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2 इज इक्वल टू 0, आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब ये जो दिया है उन्होंने, ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको बोलता हूं ई, इसके सीरीज में इसका आर वन, इसको बोलता हूं ई, इसके सीरीज में इसका आर टू, ये तो बन गया उनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, और ये मेरा टोटल आर बन गया, एंड वी वांट द वैल्यू ऑफ आर, वी वांट द वैल्यू ऑफ आर। और यहां पे इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पीडी है वी, तो क्या बोल सकते हैं इसका जो टोटल बन जाएगा,
इसका टोटल बन जाएगा इक्विवेलेंट, ये कितना बन जाएगा E प्लस E, दैट इज 2E, और R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा इनका दोनों का मिला के R1 प्लस R2, तो V कितना बन जाएगा, V विल बी यहां पे E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये टोटल है टोटल। ये टोटल है, ये बन जाएगा 2e माइनस r इनटू r1 प्लस r2, समझ गए। लेकिन ये v कैसे बनेगा, ये v बनेगा, ये बन जाएगा v1, ये बन जाएगा v2, तो v1 कैसे करेंगे, ये सीरीज में है तो करंट तो सेम जाएगा उनमें, वॉट एवर करंट टोटल विल बी देयर दैट विल बी सेम, तो करंट को लिखते हैं i, तो इधर क्या बन जाएगा E माइनस I into R1, V2 कितना बन जाएगा E माइनस I into R2, but it will be zero, ये उन्होंने दिया है। तो जहां E है, तो इससे क्या है पता चलता है, जहां E है उसको आप I into R2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो जहां E है वहां उसको I into R2 से रिप्लेस करो, तो V V will बन जाएगा, और V नहीं बनाने का आपको क्या चाहिए, व्हाट इज आस्क्ड देयर, उन्होंने क्या पूछा है आपको, पूछा है दे हैव आस्क्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो आपको आर का वैल्यू पूछा है। अगर वी टू जीरो है तो आपका वी इज इक्वल टू वी वन, मतलब ये और ये सेम हो जाएगा, ये भी करने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको हटा देता हूं मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आपका है ये टोटल पोटेंशियल, आपका जो टोटल पोटेंशियल है वो इक्वल टू वी वन हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो टोटल वी विल बी इक्वल टू वी वन, तो वी कितना है अपना वी, वी इज इक्वल टू वी वन, तो वी कितना है टू ई माइनस आई इंटू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू, वी वन का वैल्यू कितना ई माइनस आई इंटू आर वन, बन गया। तो अब ये इसको इधर लाते हैं, नहीं तो इसको इधर लाते हैं, सो टू ई माइनस ई इज इक्वल माइनस आई आर वन, इसको उधर ले लो प्लस आई इंटू आर वन प्लस आर टू, सो टू ई माइनस ई बन गया ई, ये माइनस आई आर वन कैंसिल हो गया प्लस आई आर टू, तो ये जो सेम आपने किया वो आ गया। अभी अपन को क्या करना है, आर निकाल, तो आर के लिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया आपको, R के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस E, मतलब E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट अपन ने लिखा है E प्लस E बन गया 2E, R तो वैसे ही रहेगा, प्लस R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा R1 प्लस R2, और मेरा E कितना है I अपॉन R2, तो क्या मैं लिख सकता हूं, देखो अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसको नोट डाउन करके ले लो अगर चाहिए तो, इसको हटा देता हूँ, पॉज करो वीडियो और नोट डाउन करो। ओके, तो बेटा इफ आई को मैंने लिख दिया, आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं तो ई की जगह लिखता हूँ, ई की जगह ई इक्विवेलेंट कितना टू ई आया, तो इस ई की जगह मैं लिख सकता हूँ आई आर टू, तो मेरा बन गया आई इज इक्वल टू टू इंटू आई आर टू, सॉरी I R2 upon R plus R1 plus R2, तो I ने I को काटा, तो इधर बन गया R plus R1 plus R2 is equal to 2R2, therefore R कितना बन जाएगा 2R2 minus R1 minus R2, तो R कितना बन गया बेटा 2R2 minus R2, R2 बन गया और minus R1, तो let us check whether the option is there or not. Of course, the option will be there. Don't worry about that. I'm confident quite about that. R1 minus R2. हो गया. Okay. इसको ये explain करने के लिए इतना मैंने दिखाया. Otherwise, there is no need of doing this all. You may directly find out. ये कितना है? 2A.
ये कितना R1 plus R2 है, ये R है, ठीक है, इसको जीरो कर दिया मतलब इसका इतना आएगा, वो भी आएगा, उससे आप पता कर सकते हो, ये पूरा आप दिमाग में लगा के कर सकते हो। लेकिन अभी सिखाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज वाई आई एम शोइंग ऑन द बोर्ड, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। तो अगला प्रॉब्लम कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको दिया है आपका क्या है, प्रॉब्लम नंबर 9 मतलब आपका शीट में एग्जाम्पल 20, पीडीएफ में यहां पे क्या दिया है, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम। ये सिंपल है, एकदम बताने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, आप अपना अपने हिसाब से करो, छोटा छोटा सवाल है ये, तो एकदम सिंपल है। करंट थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम, इसको क्या करने का, इसको ही ऐसे लिख सकते हो, इसको 2 ओम बोलो और इसको बोलो 4 ओम और ये 10 वोल्ट, तो कैसे हो जाएगा, पहले टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट कैसे निकालते बेटा, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट और E अपॉन बोल सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो और R इक्विवेलेंट कितना बनेगा 4 पैरेलल 2, सो 10 अपॉन 4 पैरेलल 2, सो 10 अपॉन 4 पैरेलल 2, 4 टू 8 अपॉन 6, सो I कितना बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 8, 15 बाय 2 बन जाएगा, I बन गया 15 बाय 2। अब ये 15 बाय 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4 और 2 के बीच में, आई थिंक ये मैंने सॉल्व करके दिया है लगता है, ठीक है। देखो अब ये 4:2 आएगा, R1, sorry, इसको बोलता हूँ I1, इसको बोलता हूँ I2, V तो कितना रहेगा 10 वोल्ट रहेगा, तो V कॉमन लेने का 10 वोल्ट, अगर आपने V कॉमन 10 वोल्ट लिया तो अभी नंबर 1 I1 कितना मिलेगा V अपॉन R1, सो 10 डिवाइडेड बाय 15 बाय 2, सो 20 बाय 15, 4 बाय 3 एम्पियर। I2 कितना बन जाएगा आपका V अपॉन R2, V अपॉन R2 का मतलब क्या है आपका, अभी V कितना है आपका 10 है, R2 कितना है 2 है, वेरी सॉरी, अरे बाप रे, ना, ठीक है, एक मिनट, मैंने गलती किया, I1 is equal to V upon R1, V 10 है, R1 कितना है 4, 10 by 4, 5 by 2 है, और I2 कितना आएगा V upon R2, ये कितना बनेगा 10 by 2 आ जाएगा, ये बनेगा 5, तो 5 by 2 plus 5 करके देखो, 5 to the 10 plus 5 15 by 2, ये आ गया आपका आंसर। तो दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, इसको लगा के ले लो, एक और सॉल्व करते हैं, इसमें मिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये तो आपने किया है, दूसरा देखता हूँ, एक और ये भी कर लिया आपने। ओके, तो पोटेंशियोमीटर पे मैंने आपको लगा के दिया है प्रॉब्लम, अभी पहले लिया था, वैसे वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो आप, जितना मिलेगा वैसा, मीटर ब्रिज पे तो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो अभी ले लो, अभी इसमें 121 है ना, 121 डोंट सॉल्व दैट राइट नाउ, उसमें गैल्वेनेटर वगैरह है, वो जो हम आपको मैग्नेट वगैरह पढ़ाएंगे उस टाइम वी विल टीच यू द गैल्वेनेटर, सो राइट नाउ डोंट सी दैट, दैट इज वेरी सिंपल, ओके डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नाउ अगेन वन मोर प्रॉब्लम आई विल गिव यू, नहीं तो क्या करते हैं, आपको पहले दिया था ना शीट, उसमें से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते, वेट फॉर दैट। ओके, इस शीट में आपने किया है ये सब आपको आएगा, एन सेल्स वगैरह किया है, ये भी किया है, ये भी सॉल्व किया है, तो ये हो गया अपना। तो पहले वाला शीट निकालो जो मैंने 10 और 11 को दिया था, नाउ ओपन
sheet 10 and 11 June PDF. उसमें जो कुछ बच गया है वो देखते हैं, शायद अगर कुछ बच गया होगा तो एक मिनट. ओके उसमें अगर है तो आप देखो उसमें. एक मिनट ना, मैंने आपको 10 जून को दिया था वो मैं आपको बता के दिखता हूँ. तो इसमें आपको क्या करना है दिखाता हूँ. सो दैट शीट यू ओपन, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया है आपको और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स अभी हम सॉल्व करेंगे. तो 10 जून में आपको दिया था मैंने 2 मिनट, ये आ गया आपका 10 जून. हाँ तो उसमें अभी देखो आप, मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दिए थे, खाली कुछ कुछ प्रॉब्लम बचे थे अभी अपना सॉल्व करने के लिए. अभी उसमें अपना प्रॉब्लम नंबर 10 ना, उसमें आप क्वेश्चन 54 देखो. उसमें क्या देखो आप, क्वेश्चन 54 उसमें क्या दिया है, 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ टी शेप एज शोन इन द फिगर. Then current in the 4 ohm resistor. You have to find out, find current in the 4 ohm resistor. ये आपको निकाल. समझ गए? यहाँ पे प्लस 2 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस 4 वोल्ट है, यहाँ पे माइनस 8 वोल्ट. तो माइनस 4 वोल्ट आप क्या करते हो देखो, जब बैटरी लेते हो तो ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव. सो जहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव की तरफ करंट जाता है, तो यहाँ पे करंट इधर आएगा ऐसे. पॉजिटिव से आगे जाता है, मतलब पॉजिटिव से दूर जाता है, मतलब यहाँ पे दूर जाएगा और निगेटिव की तरफ करंट आता है. तो यहाँ पे करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? तभी यहाँ पे मैंने कितना लिया है, 2, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ पे माइनस 8. सो नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी राइट द ऑप्शंस आल्सो. तो ये आ गया आपका उसका ऑप्शन, ये लिख के ले लो. शायद मुझे इसका कुछ प्रॉब्लम लगता है, लेट मी चेक इट अगेन. क्या पूछा आपको,
लेट मी चेक इट वन मिनट. ये थोड़ा व्हाट्सएप पे है अभी. हाँ हाँ है अपने पास. फिफ्टी फोर दिया है. नहीं 55 है. ओके 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 55 है. वेट फॉर अ व्हाइल. डायरेक्टली भी कर सकते हो. यहां पे देखो करंट. अभी इधर कॉन्सेंट्रेट करो. यहां पे देखो करंट I1 लिखो, इसको I2 लिखो, इसको I3. जंक्शन को आ रहा है करंट. जंक्शन को आ रहा है. यहां से आगे जा रहा है. यहां से भी आगे जा रहा है. तब क्या आप लिख सकते हो I1 is equal to I2 plus I3 और आपको I3 निकाल. तो एक तो आप क्या कर सकते हो, ये 2 plus 2 है, ये minus 8 है, इसका बना सकते हो. तो क्या हुआ, I2 और I3 पूरा मिला के आपका बन गया है I1. तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर ले ले तो सपोज यहां पे मैं लिखता हूं V1, यहां पे मैं लिखता हूं V2 और ये जो है V3 लिखता हूं. ओके, अभी ये जो खुला छोड़ा है, ये जो खुला छोड़ा है तो खुला नहीं छोड़ के देने का. ये माइनस फोर है, ये माइनस एट है. इसको आप बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, बैटरी टर्मिनल से. तो ये प्लस है तो इसको पॉइंट को बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो सी, इसको बोलो डी. तो भी करंट तो समझ गया कि यहाँ पे वॉट एवर करंट इज कमिंग हियर, that current is getting distributed here. Current distribute कब होता है? Current distribute तब होता है जब दोनों parallel में होते हैं. Distribution कब होता है आपका? Distribution occurs when these two are in parallel. तो अगर ये parallel में बन जाएंगे, are you getting my point? मतलब यहां से करंट आ रहा है और आगे जा रहा है, बाद में वापस वो मिल सकता है. तो इस पोर्शन के लिए आपको ये करंट निकालना. तो भी देखो दिस वन इज प्रोवाइडेड विथ प्लस टू वोल्ट एंड दिस वन इज प्रोवाइडेड विथ माइनस फोर वोल्ट एंड दिस वन इज प्रोवाइडेड विथ माइनस एट वोल्ट. ओके, नाउ जैसे मैंने आपको दिखाया था बैटरी के लिए, अगर ये 2 वोल्ट है तो ये जो पॉइंट है तो आपको हम दिखाया नहीं दिखाया. इसको मैं हटा देता हूं. आपने समझ लिया. सपोज मैंने ऐसे लिया, और करंट दिखा मैंने I, और मैं ऐसे जा रहा हूं. तो मैंने केसीएल केवीएल कैसे लिखता हूं? किरचॉफ रूल लिखने के लिए मैं कैसे लिखता हूं? प्लस टू माइनस, मतलब माइनस टू करंट उल्टा है, मतलब प्लस 4i इज इक्वल टू जीरो. तो मेरा 4i कितना बन जाता है? 2.
और आई बन जाता है 2/4, दैट इज 1/2। ये समझ गया आप कैसे लिखते हैं? वैसे ही अभी क्या करो, इसके तीन पॉइंट बनाओ। तीन पॉइंट कौन से? इसको फिर से लगा के दिखाता हूं आपको। इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, जैसे इधर बोला है वैसे ही। इसको बोलो सी, इसको बोलो डी। ए कितना है? +2 वोल्ट। ये कितना है? -4 वोल्ट। ये -8 वोल्ट। ये कितना दिया है? 2 ओहम। ये 8 ओहम और ये 4 ओहम। अभी क्या करो, यहां से यहां जाओ और एक एक टाइम को यहां से सीधा यहां जाओ, तो क्या बन जाएगा? VA, यहां पे पोटेंशियल है VA। यहां से करंट कैसे वो दिखाया मैंने, करंट कैसे दिखाया? इधर दिखाया मैंने, लूप की डायरेक्शन में है। तो -2I1 यहां पे गया मैं, ये कितना है? I3 कैसे दिखाया मैंने, फिर से -4I3 आएगा। ओके, -VB = 0। तो VA कितना है? 2 है, +2 है। -2I1 -4I3 -VB कितना? -8 = 0। -+ हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। और ये इसको इधर इधर लेता हूँ, मतलब 10 = 2I1 + 4I3। 2 से डिवाइड किया, 5 = I1 + 2I3। तो I3 कितना मिल जाएगा आपको? I3 मिलेगा आपको 5 - I1/2। ओके, यहां से चले गए आप, तो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम हियर डायरेक्टली 2 - -2I1, यहां से करंट कैसे है? ऐसे ही -4I2 - -4 = 0। तो ये कितना बन जाएगा? -(-+)4 + 2 = 8। ये इधर गया, 8 = 2I1 + 4I2। 2 से डिवाइड किया, मतलब I1 + 2I2 = 4। तो I2 कितना? I1 का ही वैल्यू निकालो ना, I1 से आपको मिलेगा। तो ऐसे करके इक्वेशन से वैल्यू निकालो एंड ट्राई टू गेट दैट। ओके, यहाँ से इक्वेशन में आपको कितना मिला था? फिर से करना पड़ेगा, 10 = 2I1 - 4 - +4I3। 2 से डिवाइड किया, 5 = I1 + 4I3। तो I1 का वैल्यू कितना मिल गया? यहाँ से I1 = 5 - 4I3, ये मिल गया आपको। यहाँ से I1 का वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ से I1 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 4 - 2I2। इसको इक्वेट करो, 4 - 2I2 = 5 - 4I3, 4 5। सो 5 - 4 इधर 1 आएगा, ये इधर आएगा -2I2 + 4I3। सो 4I3 - 2I2 = 1। सो 4 से डिवाइड किया तो I3 - I2 / 2 = 1/4। ओके, तो I3 का 5 I1। तो अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक का निकाल लो, यहाँ से एक का निकाल लो और दूसरा आप उसमें डालो, आपको I3 का वैल्यू मिल जाएगा। अदरवाइज व्हाट आई विल डू टुडे, आई विल सॉल्व दिस पर्टिकुलरली एंड शो यू द आंसर। ओके, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व ऑन द पेपर, आई विल सॉल्व एंड आई विल गिव द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 10 आई विल गिव यू, नो प्रॉब्लम। ये लेक्चर चालू रहेगा तब मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा, तो आपका टाइम भी नहीं जाएगा। अभी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर वैल्यू का आता है, वो टैली करने में टाइम जाएगा और अपने पास इधर करने के लिए कम टाइम, वो टैली करवा के आपको मैं आंसर देता हूँ। आई हैव टू चेक ऑल्सो द आंसर। ओके, अभी और एक प्रॉब्लम देखते हैं।
और एक प्रॉब्लम क्या है, तो आपको मैंने दिया है आपका, देखो प्रॉब्लम नंबर, हाँ अभी क्या करो आप, 52 10 एंड 11 जून पीडीएफ, इसमें आप क्या करो, पहले 52 देखो नंबर पर। 52 में मैं हिंट बताते जाता हूं आपको फटाफट। इफ द सर्किट एलिमेंट गिवन हियर, इन द सर्किट एलिमेंट गिवन हियर, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज, वी बी इज इक्वल 0, देन द पोटेंशियल्स ऑफ ए एंड डी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ओके इसमें ये भी ठीक है, यू कैन डू दैट, ओके दैट ऑल्सो यू कैन डू। लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ तो दिया है, ठीक है, और एक दिया है 38 देखो, ये सॉल्व करते हैं। में देखो क्या दिया आपको, 15 वोल्ट दिया है, अरे यार 0.5 ओम दिया है, यहाँ पे 2 ओम दिया है, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे 7 ओम दिया है, यहाँ पे आपको 6 ओम दिया है, यहाँ पे 1 ओम दिया है, और नीचे आपको दिया है 8 ओहम, और यहाँ पे दिया है 10 ओहम, यहाँ पे दिया है बी, ये 15 वोल्ट है आपका, और बाकी सब दिया है, और करंट फ्रॉम द बैटरी, दे आर आस्किंग करंट फ्रॉम द बैटरी, ऑप्शन क्या क्या दिया आपको, 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। अभी देखो ये तो सिंपल है, एक्चुअली करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन दिखाते, अगर वो 10th वाला मुझे रिकॉल करो, मैं डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जस्ट रिकॉल, ये कितने आपका 7 + 1 + 10, तो कितना हो गया 18 हो गया, कितना हो गया 18 हो गया, 7 + 1 + 10 कितना हो गया बेटा, ये बन गया आपका 18। अभी सर्किट कैसे बन जाएगा, ये सब पूरा इसको पैरेलल हो जाएगा, तो अभी इसको पूरा लेते हैं, ये पूरा कितना बन जाएगा, ये 6 है और उसको पैरेलल 18, 6 पैरेलल 18, ये पूरे वाले का, तो कितना हो जाएगा 108 24, और उसको ये और ये के साथ मिला लो, ये 2 + 8 10 + 0.5 को 1/2 कर दे, मतलब 10 + 1/2 10 प्लस ये 1/2, और ये कितना 108/24। अभी क्या करते हैं इसको, 27 6, तो अभी ये 1/2 गया, ये अपॉन 6 हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, 10 + 1/2 21/2 हो गया प्लस 27/6, तो ये नीचे 12 हो गया, तो कितना हो गया 15 हो गया, ये क्या हो गया आपका R equivalent बन गया, ये मैंने क्या निकाला इसका, R equivalent निकाला 15 ओम, ओके, अरे R equivalent मैंने 15 ओम निकाला, तो मेरे को करंट निकालना है, करंट का क्या प्रॉब्लम है, I is equal to V upon R equivalent, I is equal to V upon R equivalent, V कितना है बेटा अपना 15 वोल्ट है, तो 15 वोल्ट अपॉन 15 ओम, ये आएगा 1 एम्पियर,
सो आपका आई बन गया 1. दिस इज योर आंसर. सो बेटा व्हाट आई विल डू मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी, वो ट्रायंगल टी शेप का भी मैं सबके लिए सॉल्व करके दे दूंगा, तो आपको नो प्रॉब्लम हो जाएगा, वो देख के आप कर सकते हो. ओके तो वो हो जाएगा, क्योंकि उसका है ना वो 2 और 8 का कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये -8 है ना नीचे, वो उसका मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसलिए आई विल डू दैट, आई विल चेक इट, आंसर इज दैट एंड आई विल गिव यू दिस. ये तो हो गया अभी, तो इसमें अभी बचा है और 2 प्रॉब्लम. और दूसरा प्रॉब्लम हम आपको बताते हैं, ये गया आपका, ये तो मैंने सॉल्व किया है, ये भी किया है. हाँ ये देखो, आप ले लो प्रॉब्लम नंबर 44. कौन सा ले रहे बेटा? प्रॉब्लम 44 आपकी शीट में है. शीट कौन सा वाला? आज का नहीं है, कल वाला, कल जो दिया था 10 जून, मतलब परसों वाला, परसों दिया था 10 जून वाला. प्रॉब्लम में क्या दिया? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सर्किट. प्रॉब्लम नंबर अपना 44 पीडीएफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है आपको. सर्किट निकालते हैं, सर्किट क्या दिया आपका? ये दिया है 1 ओम, यहाँ पे दिया है माइनस प्लस, ये 10 वोल्ट, यहाँ पे दिया है प्लस माइनस 4 वोल्ट, यहाँ पे दिया है 2 ओम, और यहाँ पे नीचे दिया है 3 ओम. तो एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर कभी कभी आप जो देते हो उसमें से ईएमएफ का वैल्यू कभी कभी निगेटिव आता है, तो सर ये कैसे हो सकता है? ईएमएफ तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है. तो उसका क्वेश्चन तो एकदम बराबर था, तो उसका भी बता देता हूँ. तो ये तो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन फिर से मैं लिख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तो बाद में मुझे मोबाइल यूज़ नहीं करना पड़ेगा. 1 एम्पियर फ्रॉम बी टू ई, आपके पास है वो, मुझे मालूम है. 1 एम्पियर फ्रॉम ए टू ई हो गया. तो उसने पूछा था मेरे को, सर आप अगर देते हो, ऐसा दिया मैंने, ये बन गया 2 वोल्ट, ये बन गया 2 वोल्ट, ये बन गया 5 वोल्ट, तो सर ये बात है E1 plus E2 minus E3, तो ये मेरा बन जाएगा 2 plus 2 minus 5, तो ये बन गया 4 minus 5, तो सर ये -1 वोल्ट आता है E equivalent, तो क्या ये माइनस आ सकता है? तो बेटा फर्क इतना ही है, ये लिख के लो. स्पेशली फॉर वन स्टूडेंट, मैं उसका नाम भी लेता हूँ, पारस ने पूछा था, पारस भोसले ने पूछा था. ये आपके सबके मन में सवाल होगा कि जो मैंने, मेरे को पारस ने पूछा कि ये क्या है सर, तो सबके मन में सवाल होगा. आपके लिए बता देता हूँ, देखो इससे कुछ मतलब नहीं है, पहले लिख के देख के रखो. इफ आई टेक एज डायरेक्शन, मतलब ऐसा, तो दिस विल बिकम +2 वोल्ट, और मैं ऐसे डायरेक्शन ले लूंगा, तो मतलब अगर ये ऐसे है तो ये बन जाएगा मेरा -2 वोल्ट फॉर मी. अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, मतलब ऐसे ऐसा मेरे लिए पॉजिटिव है, तो ये वाला जो है वो नेगेटिव है, तो ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ विल नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड तो 2 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसा पोलैरिटी ले रहा हूँ उसको प्लस ले सकता हूँ, ऐसा ले रहा हूँ तो उसको माइनस ले सकता हूँ. आ गया ध्यान में? डन. ओके तो ठीक है, विल गो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्किट है अपना, ये पूरा, इसको क्या करता हूँ, ये 2 ओम है, इसको बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ E1 बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ E1, इसको बोलता हूँ E2,
इसको बोलता हूं से आर वन, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसा मैं ऐसा सोचता हूं इसको, इसको बोलता हूं आर टू। तो मेरा डायग्राम कैसे बन गया, देखो फिर से ठीक से देखो बेटा, ये मैं थोड़ा अलग सा दिखा रहा हूं, इसको बोला E1, इसको बोला E2, ये R1, ये R2, ये R, R1 कितना है मेरा 1 ओम है, R2 कितना है 2 ओम है, E1 कितना है 10 वोल्ट है, E2 कितना है 4 वोल्ट है। तो अभी इसको मैं सर्किट ऐसे निकालता हूं, कौन सा भी है, इसको बोलता हूं E इक्वल, इसके साथ एक R इक्वलेंट मिला, तो मतलब ये दोनों का मिला के जो कुछ होगा वो ये है आपका, और उसको R से जोड़ देता हूं, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, अभी मैं कुछ नहीं करता, मैं निकाल के लेता हूं, कैसे निकालो बेटा, E इक्वलेंट विल बी जस्ट ये माइनस टू प्लस गया, सो माइनस टेन और ये प्लस फोर, तो ये कितना बन जाएगा माइनस सिक्स, तो मेरा पोलैरिटी यहां पे ऐसे हो जाएगा, ये कितना बन गया माइनस सिक्स वोल्ट बन गया, इधर ध्यान दो सब, ओके माइनस सिक्स बन गया। तो अभी आर इक्विवेलेंट कैसे बन गया, आर इक्विवेलेंट का टू प्लस वन करो, टू प्लस वन दैट इज थ्री ओम बन गया मेरा, तो अभी मेरा इक्विवेलेंट कितना आया, सिक्स लिखता हूं इधर, सिक्स वोल्ट, ये माइनस प्लस यहां पे टू और थ्री ओम, और आर कितना है मेरा, आर का वैल्यू है थ्री, हो गया। तो I is equal to E upon R plus R, E का वैल्यू कितना है माइनस सिक्स ले लो, माइनस सिक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री सिक्स, सो इट इज माइनस वन एम्पियर। माइनस वन का मतलब क्या है, अभी आपको पोलैरिटी देखना पड़ेगा, ये E है बराबर, ये E है, तो ये A है और ये B है, तो यहां पे क्या दिया है, सब E दिया है, तो करंट कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम वेयर टू वेयर द करंट विल फ्लो, आई एम गेटिंग दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर, तो पूरा बैटरी से ऐसे जाके बाद में ऐसे मिल रहा है, बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला, बड़ा वाला ये है, तो यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां आए, सो द डायरेक्शन विल बी ए टू ई, डायरेक्शन विल बी ए टू ई एंड ऑप्शन डी विल बी देयर, 1 एम्पियर गोइंग फ्रॉम A to E. So, बेटा, in this way, we can solve the problems in the current electricity. मैंने जो आपको sheet दिया है, उसमें से जो जो problem आपको दिक्कत आता है, you may ask me on the WhatsApp personally also, and I will give you the solutions for that. So, today we shall stop here and wish you best of luck for your exam. ठीक से आपका पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा practice करो. I hope you will earn very good marks and I'll be happy. Okay, fine, thank you.